खबर राजधानी देहरादून से है, जहां उत्तराखंड बीजेपी ने एक बार फिर से दावा किया है कि केदारनाथ विधानसभा उपचुनाव में कांग्रेस की हार होगी। वहीं बीजेपी के प्रदेश महामंत्री आदित्य कोठारी का कहना है कि जिस तरह से हरियाणा चुनाव में कांग्रेस की हार हुई है, उसी तरह से केदारनाथ विधानसभा उपचुनाव में भी कांग्रेस की हार होगी। इसके आगे उन्होंने कहा कि केदारनाथ की जनता मन बना चुकी है कि उनको विकास के साथ रहना है। कांग्रेस भले ही यह दावा कर रही है कि जिस तरह मंगलौर और बद्रीनाथ में उनकी जीत हुई थी, उसी तरह से केदारनाथ में भी उनकी जीत होगी, लेकिन केदारनाथ में कांग्रेस के साथ ऐसा नहीं होगा और केदारनाथ की जनता भाजपा के साथ है और भाजपा की जीत होगी। देहरादून से ब्यूरो चीफ अवनीश गुप्ता की रिपोर्ट। एक बहाना तलाश कर लिया कांग्रेस। कांग्रेस जिस तरह से हरियाणा में प्रफुल्लित थी कि कांग्रेस की सरकार बनने जा रही है, शुरुआती रुझानों में उन्होंने देखा कि उनकी पार्टी आगे बढ़ती जा रही है और अचानक जब जो है उनकी पार्टी धीरे धीरे उसकी हवा निकलने लग गई और परिणाम पूरी तरह से भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में है, तो फिर वो चुनाव आयोग पर जो है आरोप लगाने लग गए, ईवीएम पर आरोप लगाने लग गए। ये तो उनकी प्रवृत्ति है, ये तो हमेशा हर चुनाव में करते आए हैं। केदारनाथ विधानसभा में भी उनकी स्थिति ऐसी होने वाली है जैसे हरियाणा चुनाव में हुई है। वो बिल्कुल दम्भ भर रहे हैं कि हम बद्रीनाथ की तरह, मंगलोर की तरह केदारनाथ भी जीतेंगे, लेकिन मुझे लगता है कि वहाँ की जनता मन बना चुकी है कि हम विकास के साथ रहेंगे, सरकार के विकास कार्यों पर हम जो है मुहर लगाएंगे कि सरकार अच्छा काम कर रही है।